अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई को लंबाया गया है। अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई अब एक महीने बाद की जाएगी। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई अब एक महीने बाद की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को इस मामले में 14 अगस्त तक जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अपना जवाब दाखिल किया है। एक और याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर ने कहा कि रिपोर्ट खुद कह रही है कि जांच एजेंसियां जांच में सहायता नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के हलफनामे की सॉफ्ट कॉपी याचिकाकर्ताओं को दी जाए और साथ ही सॉफ्ट कॉपी कोर्ट में जमा कर यहां सुनिश्चित करके इसे रिकॉर्ड पर अपलोड किया जाए। इस पर तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि सबको सॉफ्ट कॉपी सुनिश्चित दी जाएगी। प्रशांत भूषण ने सेबी पर अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। दाखिल किए गए हलफनामे में सेबी ने बताया कि वो 2016 से अडानी ग्रुप की कंपनियों की कोई जांच नहीं कर रही है और ऐसे सभी दावे तथ्यात्मक रूप से निराधार है। गौरतलब है कि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की जाँच के लिए रिटायर्ड जज एएम सप्रे के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। ये कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।